फ्रेंड्स ऑन एसएससी ज्ञान सागर चैनल। तो दोस्तों आप लोगों के कहने पर मैंने हरियाणा एसएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम उठाए हैं, ये है हरियाणा एसएससी क्लेरिकल एग्ज़ाम। तो आपका जो आगामी एग्ज़ाम है ग्रुप डी का या फिर कोई भी हरियाणा पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आप नोट करेंगे कि हरियाणा एसएससी बार बार वही क्वेश्चन उठा रही है। मेनली हरियाणा और जो नेशनल जीके के क्वेश्चन है वो तो सभी वही हैं। और बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की, तो क्वेश्चन की टाइप वही रहती है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना प्रारंभ की? तो ये शुरू की थी उत्तर प्रदेश में। ये करंट जीके का क्वेश्चन था, क्लेरिकल जब एग्ज़ाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन जल को संसाधन के रूप में वर्णित करता है? तो जल जो है साइक्लिक रिसोर्स होता है जल, तो सेकेंड का हो जाएगा हमारा साइक्लिक रिसोर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अभयारण्य से रिलेटेड, ये मैंने पहले भी वीडियो पे कुछ अपने चैनल पे कुछ वीडियो डाली है इसी टाइप की, लेकिन मैंने देखा है कि रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिला है नेशनल जीके के लिए। तो दोस्तों आप नेशनल जीके भी ज़रूर पढ़िएगा अगर वहाँ जाते हैं आप, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं अब तक के। तो ये है आपका असम में काजीरंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी? तो ऑप्शन डी स्त्री शिक्षा। पेपर हमेशा मॉडरेट बनता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सभी के जवाब नहीं दे सकते, जैसे कि क्वेश्चन नंबर चार था, थोड़ा हटके था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर पाँच, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर छः, ये रीजनिंग का आता है हमारा, रीजनिंग और मैथ की जैसे कि मैंने कहा है कि अलग से क्लासेस बनाए जाएंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ इसमें सिंपल सा। इसमें ये पेयर बना रहा है 9 और 11, सीरीज बतानी है, 9 और 11 का पेयर है, फिर 33 आ जाता है, फिर 13 और 15 का पेयर है, फिर 33 आ जाता है, और 17 और किसका पेयर बनाए, तो ऐसे ही होगा 9 और 2 11, 33 को हम छोड़ देते हैं, 9 और 2 11, फिर आता है हमारा 13 और 2 15, फिर आएगा हमारा 17 और 2 19, और 19 के बाद वही बताना है 33, बार बार जो रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन ए के अंदर है हमारा। ऐसे ही हमारा है क्वेश्चन नंबर सात, ये भी बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट बताना है ए बी सी डी की सीरीज है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आठ, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, वैसे तो रीजनिंग की अलग से क्लास होनी चाहिए, ये केवल जीके के लिए है, ये भी सिंपल है, इसके अंदर बताना है अलग क्या है, तो ट्यूलिप गुलाब डेजी ये सब फूल की टाइप है, कली सबसे अलग हो गया, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यार्ड जिस प्रकार से संबंधित है इंच से, उसी प्रकार कार्ट किससे संबंधित है? तो कार्ट संबंधित होगा गैलन से। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है जो बार बार हरियाणा एसएससी पूछ रही है। क्वेश्चन नंबर आठ को देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नौ को देख लीजिएगा, सीरीज के क्वेश्चन नंबर छः सात देख लीजिएगा, क्वेश्चन बदल जाता है लेकिन चैप्टर वहीं से आते हैं। तो तभी कह रहा हूँ दोस्तों मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम की सभी वीडियो डाली गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये भी रीजनिंग का है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार टाइप समझ सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 12 का तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 13, महत्तम समापवर्तक HF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14, ये अलग से वीडियो बनाई जाएंगी मैथ की और रीजनिंग की। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 के क्वेश्चन में पूछता है, पृथ्वी पर विशालतम जीव पक्षी कौन सा है? जीके का क्वेश्चन है, तो ये है शुतुरमुर्ग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 17 का, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो ये है दूसरा कृतंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दूसरी या तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है, अब रिसेंट में भी जो हरियाणा एसएससी ने एग्ज़ाम लिए थे उसमें भी पूछा गया था, आंसर की डाली थी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। कई बार पूछते हैं आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो ये है सल्फर। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, सभी ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं आपको कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगला है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो ये होती हैं प्रासर्व ध्वनि तरंग।
20,000 वाली। नेक्स्ट है हमारा, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है, पीछे भी वीडियो में आ चुका है ये क्वेश्चन एक पेपर में, यह है नवाब मंसूर अली। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की, चौधरी बंसीलाल, भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ, तो गोहाना सोनीपत ये हुआ पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ऑप्शन डी। दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपका यहीं से श्योर हो जाएगा, आप यहीं से तैयार हो जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन का जवाब आपको आता है। तो इसके अलावा मैंने कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है इसी चैनल के ऊपर, वहाँ से भी आप वो टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन याद हुए हैं। और इसके अलावा और भी टेस्ट सीरीज डाली जाएगी अगर आप कहेंगे तो। नेक्स्ट है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ हुआ, तो ये हुआ था हिसार में। इसका तरीका बता देता हूँ याद रखने का, जसराज, जैसे कि राज की बात हम करते हैं तो हरियाणा पे राज हिसार जिले का बहुत पुराना रहा है, हरियाणा का बहुत पुराना जिला रहा है हिसार। तो संगीतक हैं ये, पूछ लेते हैं कि पंडित जसराज का संबंध है किससे, खेल से, संगीत से, नृत्य से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जसराज का संबंध है संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावली, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला, कम से कम 10 से 15 बार पूछ चुकी हरियाणा SSC ये क्वेश्चन। तो रत्नावली का संबंध है, ने किसकी रचना की थी, ये की थी हर्ष। नेक्स्ट है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी आगरा कॉलेज से। नेक्स्ट, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर, जो कि है आपका कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी, तो कब की थी, 29 जुलाई 2016। ये जो क्वेश्चन है करंट जीके के क्वेश्चन है, करंट जीके का थोड़ा बहुत यह ही है कि क्रीमी टाइप जो क्वेश्चन होता है ना उनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, जैसे कोई योजना है, जैसे कि रिसेंट में हरियाणा सरकार ने ये योजना शुरू की है जिसका नाम है कवच, आतंकवादी निरोधी योजना, जो इसका नाम क्या दिया गया है, कवच। तो ये क्वेश्चन अभी आपका, मैं नहीं मानता ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका नाम है कवच, आतंकवादी निरोधी दस्ता। नेक्स्ट है हमारा, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है, तो पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है, ये है आपकी ताजेवाला से, जो हथनीकुंड बैराज पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा, जो कि है करनाल में, ये भी क्वेश्चन कम से कम चौथी या पांचवी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है, ब्रह्म सरोवर, जो कि है कुरुक्षेत्र में, बहुत आस्था है इसमें, नहाने के बाद कहते हैं पाप धुल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 32 का क्वेश्चन, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, तो ये है नाहर सिंह, बल्लभगढ़ है आपका फरीदाबाद जिले के अंदर। नेक्स्ट आता है, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है, तो सबसे बड़ा पशुधन फार्म कहाँ है, हिसार जिले में, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि है हिसार में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कहाँ है, हिसार जिले में। और एक आता है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन बफेलोज, ये कहाँ है, ये भी है आपका हिसार जिले में, तो पशु से संबंधित अगर कुछ आए तो हिसार जिले में आपको लगाना है आंसर। नेक्स्ट, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया, तो तोमर राजा द्वारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरजकुंड जो कि है आपका फरीदाबाद जिले के अंदर, तोमर राजा द्वारा बनवाया गया था। अगर आपको कोई याद ना रहे ना, तब मैंने बताया था कि पशुधन फार्म योजना, ये जो बताया ना पशुओं से रिलेटेड कुछ भी, अगर याद ना हो, तुक्का मारना हो, तो हिसार जिले में लगाएं, अदरवाइज ये नहीं कि सभी का हिसार ही आंसर आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं 35 के क्वेश्चन पे। 35 का क्वेश्चन बोलता है, हरियाणा सरकार में उद्योग व वाणिज्य पर्यावरण और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है, तो ये है श्री विपुल गोयल जी के पास, ये भी फरीदाबाद विधानसभा से हैं। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठराघात किया, तो ये किस पे किया, संस्कृत पर, लॉर्ड मैकाले ने संस्कृत भाषा पर कुठराघात किया। अगला आता है 37 का क्वेश्चन, 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली, तो ये मिली कांग्रेस को, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है आपको।
नेक्स्ट आता है आपका 38 का क्वेश्चन, हरियाणा सरकार डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। करंट जीके का क्वेश्चन है, गुरुग्राम जिले में, तब आया था ये न्यूज़पेपर में काफ़ी। अब अगला आता है आपका, पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा है। कई बार पूछते हैं कि बाहुली कौन से ज़िले के अंदर आता है, तो ये है पानीपत में, जहाँ है भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। पूछ लेते हैं कि तेल रिफाइनरी कहाँ है, बाहुली हो सकता है ऑप्शन में, पानीपत हो सकता है ऑप्शन में, ये तो आपको सबको पता ही है, तेल रिफाइनरी बहुत पुरानी है पानीपत ज़िले के अंदर। नेक्स्ट आपका आता 40 का क्वेश्चन, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस ज़िले में है। तो ये है आपका फरीदाबाद ज़िले में, अरावली का गोल्फ मैदान, गोल्फ मैदान कहाँ है, फरीदाबाद में। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट कॉमन, बीए के स्टूडेंट तो इसको जानते ही होंगे कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महान स्नानागार, ग्रेट बाथ। 42 का, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी, वेदों की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, थोड़ा सा ये थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाया गया था, वही मैं बता रहा हूँ, दो चार क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जिसका जवाब इजीली कोई नहीं बता सकता, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से। तो नेक्स्ट 44 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है, तो कौन सा है, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं, ये होगा हमारा बिहार राज्य जो भूबद्ध राज्य है, आप सभी को जैसे कि पता भी है क्षेत्रफल के हिसाब से भी आपने देखा है। नेक्स्ट है 45 का क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, एवरीबडी नोज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तभी मैं कहता हूं दोस्तों आप केवल हरियाणा जीके के पीछे पड़े हैं, मैंने बोला है कि नेशनल जीके की भी मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन कोई भी आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं उन वीडियो पे, मैंने जैसे भी एनालाइज करके देखा है, नेशनल जीके भी पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, नेशनल जीके भी मैं वही उठाकर डाल रहा हूं जो हरियाणा एसएससी ने पूछी है और बार बार कॉमन क्वेश्चन पूछ रही है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हरियाणा एसएससी ने पूछे नहीं हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है हर एग्जामिनर पूछता है, एसएससी में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, एसएससी भी साल 1990 से पहले से जो भी एग्जामिनर एग्ज़ाम बनाता है वो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम की कोई बुक उठाते हैं तो क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो रहे हैं और वही मैं वीडियो में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा से रिस्पॉन्स दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था, तो ये गठित किया गया था साल 1956 में, 1956 में भाषा के आधार पर दोबारा से गठित किया गया था भारतीय राज्यों को साल 1956, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला आता है, किस वर्ष में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना, यानी कि IMF का सदस्य कब बना। IMF की स्थापना भी साल 1945 में ही हुई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद, और भारत उसी समय इसका सदस्य बन गया था साल 1945 के अंदर। IMF और वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, दोनों साल 1945 में ही बने थे। अब क्लैरिकल एग्ज़ाम में, नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछ लिया कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई या IMF की स्थापना कब हुई, भारत कब सदस्य बना, क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो रहे हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर देता है। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ हैं, कई बार पढ़ा है 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में क्या अंतर है,